हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर जुबैल में दो तीन पेट शॉप घूमने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया है कि फाइनली हम लोग कल दम्माम जाएंगे, दम्माम के पेट शॉप। और यहाँ पर आ गए हैं हम लोग दिल्ली सिक्स रेस्टोरेंट में। हस्बैंड खाना लेने गए हैं और खाना लेकर हम घर जाकर आपको इस रेस्टोरेंट का रिव्यू देंगे। आ गई वापस घर। कैट देखिए कैसा लगा मायरू? कैसी थी कैट? भली आपको कैट कैसी लगी? अच्छी थी क्या? क्या हो गया कैट? अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं अच्छी लगी। और यहाँ पर मैं खाना सर्व करने जा रही हूँ। पैकेट में खोलकर देखते हैं क्या लाए हैं हस्बैंड खाने में, जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि दिल्ली सिक्स रेस्टोरेंट जो है वो फैमिली अलाउ नहीं करता है। तो जब भी यहाँ से कुछ खाना रहता है तो हस्बैंड ही जाते हैं, जो अच्छा और स्पेशल बना रहता है वो लेकर आते हैं। तो आज देखते हैं स्पेशल डिश क्या लाए हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये लाए हैं चिकन बिरयानी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब दिख रही है। और खा कर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये इन्होंने बताया है कि आज का स्पेशल डिश ये है मटन चाप। ये थर्सडे के रोज़ स्पेशल बना हुआ था तो ये लेकर आए हैं। और यहाँ पर कीमा जो मैंने स्पेशली कह के मंगवाया था, ये भी थर्सडे के रोज़ ही बनता है। और यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर मटन चाप और कीमा जो है वो आज थर्सडे के रोज़ का स्पेशल डिश था, जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला था अगर हम लोग को थोड़ी देर और लग जाती पहुँचने में तो। और यहाँ पर मैं रोटी की बात करूँ तो स्पेशली मुझे दिल्ली सिक्स की रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट लगती है अदर रेस्टोरेंट के मुकाबले। अगर आप जुबैल में अदर रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको बटर नान, अदर नान मिल जाएगी, लेकिन ये जो रोटी है ना, ये आपको एकदम इंडियन टेस्ट की याद दिलाती है। और इसे लेने के लिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है, लोग दूर दूर से आते हैं। और कभी ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और बाई लक आज ये हम लोग को मिल भी गई। और यहाँ पे मैं बिरयानी की बात करूँ तो बिरयानी का भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ओवरऑल जो है दिल्ली सिक्स रेस्टोरेंट का नाम ऐसे ही दिल्ली सिक्स नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो सिमिलर दिल्ली से मिलता जुलता है। और इसकी जो बिरयानी है वो दिल्ली और हैदराबाद का मिक्सअप है। कहाँ जा रहे हैं वली? कहाँ जा रहे हैं? वली कैट जा रहे हैं लेने क्या मायरू? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आज दम्माम के पेट शॉप जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए वली को नींद आ गई है, वो सो रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग हाईवे पे आ गए हैं और हस्बैंड चाय लेने गए हैं। हम लोगों ने सोचा चाय पी के थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, फिर निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। मैं बोल रहा हूँ, ये कौन सा सैंडविच चाहिए? चिकन वाला है? हाँ, चिकन वाला चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये चाय लेकर आ रहे हैं। हाँ, इंडियन नहीं है, कोई अफगानी चाय नहीं है। सैंडविच बनाए हैं। और ये आ गई हमारी गर्मा गर्म खुशबूदार कड़क चाय। तो आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं? कहाँ ले चल रहे हैं हम लोगों को? आज हम लोग दम्माम जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाके हरज, हरज बोल के है जगह जहाँ पे सामान मिलता है, वहाँ आपको ले जाए। जो अगर लेना का अगर दिल होगा तो ले लीजिए, देखेंगे। चलिए, और उसके बाद फिर जाना है। क्यों? हाँ, पेट शॉप भी जाना है, जाके वहाँ भी देखेंगे। बच्चे लोग। और यहाँ पर चाय के साथ हम लोग का सफर शुरू हो गया है। तो फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं दम्माम सिटी में, और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा यहाँ पर हम लोग दम्माम के पेट शॉप में जा रहे हैं। Thank you.
पेट शॉप देखने के बाद भी जो कैट हम लोग को चाहिए थी वो कैट हम लोग को नहीं मिली। एक्चुअल में हम लोग को पर्जियन कैट चाहिए थी जो नहीं थी यहाँ पर, तो हम लोग खाली हाथ तो जाते ही नहीं, लेकिन हम लोग ने सोचा बच्चों के लिए जब इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे। और मैंने क्या लिया है वो हम घर जाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ हरस से लाई हूँ ये मैट मेड इन तुर्की का। और मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई वहाँ पर क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी और धूप भी काफ़ी थी। तो हम लोग को ये मैट अच्छा लगा जो कि काफ़ी फ्रेश और न्यू लग रहा था और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल गया हम लोगों को। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग लाए हैं फ़िश। फाइनली हम लोग कैट तो नहीं ले पाए लेकिन हम लोग फ़िश लाए हुए हैं और उसको हस्बैंड जो है पानी में डाल के डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग तीन वैरायटी की फ़िश लाए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की है। अब देखते हैं कि ये ग्लास में ये फ़िश रह पाती है या नहीं। हस्बैंड तो बोल रहे थे नहीं रह पाएगी लेकिन मैंने काफ़ी ज़िद किया कि नहीं बच्चे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो लेना ही है, तो हम लोग ले आए हैं। अब देखते हैं वो इस छोटे ग्लास में रह पाती है कि नहीं रह पाती है। और यहाँ पर हस्बैंड ने फ़िश को उनके ग्लास में फ़िट कर दिया है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है दिखने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने फ़िश के ग्लास को सूर्याक के ऊपर लगा दिया है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर फ़िश को फिट करने के बाद हम लोग इनको खाना दे रहे थे जो कि हम लोग पेट शॉप से लाए थे। और ये जो खाने की क्वान्टिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दिन चलेगा इनका खाना। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक।